यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक फिलहाल दिल्ली में ही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के आला नेताओं से मुलाकात हो सकती है, यानी यूपी के सीएम और दोनों डिप्टी सीएम फिलहाल दिल्ली में हैं। इधर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा पर पहली बार प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बदलने को लेकर अभी ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी के विषय पार्टी के विचार अधीन होते हैं। चौधरी ने आगे कहा कि हमारे लिए आस्था की बात, 500 साल के बाद अयोध्या का निर्माण हुआ है, हम आस्था और परंपरा के एजेंडे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। लोकतंत्र में जय और पराजय होती है, कुछ कमी रही होगी, हम जनता को अपनी बात नहीं समझा पाए। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर उन्होंने कहा कि जिस परिणाम की उम्मीद थी वैसे आए नहीं, लेकिन जनता का मैं अभिनंदन करता हूं। अब हम उपचुनाव के लिए पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, केवल नेगेटिव एजेंडा सेट कर रखा है और लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास हम लोग सीएम बदलने की चर्चा चल रही है नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरा हार के साथ होगी समीक्षा लगभग पूरी होती है। आपने आपने देखा होगा कि विपक्ष ने एक नेगेटिव एजेंडा सेट करके लोगों को गुमराह करने का काम किया और उसी का ये परिणाम। लेकिन धीरे 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 प्रदेश की जनता सारे विषयों को समझ रही और मोदी जी के प्रति हम सबका विश्वास। और अयोध्या और वाराणसी के कॉरिडोर को लेकर काफी कुछ उनको किस तरह से, ये मैंने बताया नेगेटिव एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी परंपरा आस्था विरासत को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे लिए गर्व की बात है कि 500 साल के संघर्ष के बाद